चलिए तो आज मैं आपको तीन नियम बताने जा रहा हूँ जो कि एक बच्चे ने पूछे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ने पूछे। चलिए, और जो टॉपिक है ना वो है तुम्हारा प्रोनाउन का, ठीक है। वैसे आगे आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन में दोबारा से, ठीक है, पर यहाँ पर बस सिखा देता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कि जब आपके साथ दो सब्जेक्ट आए हों, कब दो, तो तीन नहीं, दो, पहले दो उसके बाद तीन, बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लीजिए यू आया या बी आया, चाहे दे आया चाहे ही आया, ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो आए, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता कि कौन से दिए हैं, ठीक है। अब हमें सीखना क्या है वो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फिर पता होना चाहिए सेकंड पर्सन, और फिर पता होना चाहिए आपको थर्ड पर्सन, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, और सेकंड में क्या, और थर्ड में क्या। अब बताने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है, समझाने का ये वाले का, ठीक है। मैं और हम जो बोलता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं या हम बोलते हैं और मैं बोलता है, दो ही लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं और हम, ये दो ही लोग बोलते हैं। तुम यानी कि जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन, यहाँ पर लिखिए बोलता है या बोलना, ठीक है, यहाँ लिखिए सुनना, ठीक है। क्या क्या बोला, जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाएगी वो होगा थर्ड पर्सन आपका, ठीक है। इन तीनों को छोड़कर जो भी आएंगे वो थर्ड पर्सन होंगे, जैसे कि दे आया, दे बच गया, ही आया, सी आया, जिसके बारे में, ठीक है। हाँ, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो वही बता रहा हूँ, दो लोगों की, जैसे कि दो पर्सन आए तब तब की बात चल रही है। एग्जाम्पल बहुत और भी समझ में आएगा, आप जैसे मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, वह तो ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। या फिर तुम, मैं और तुम, मैं फर्स्ट पर्सन है और तुम क्या हो, सेकंड पर्सन। अब बस समझ में, अब जैसे देखो जैसे पर्सन है, हां मैं सेकंड पर्सन हूं, क्या मैं बोलेंगे तब फर्स्ट पर्सन है ये। अब जो बोलना मैं सुन रहा हूं, जो जी कब दो और दो आदमी को आ रहे हो तो वो थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन होगा, हां जिसके बारे में बात करेंगे वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां बे लिखा, बे बे का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, वहां पे हम लिखा, सॉरी ही लिखा, ठीक है, वह हो सकता है, सी वह लड़की हो सकती है, ठीक है, और लड़के हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, किसी आप बात तो किसी के बारे में कर सकते हैं ना, यहाँ पर कोई पहले नहीं थोड़ी लगे कि आप इसी के बारे में ही बात करेंगे, बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं ये साफ साफ बताता हूँ, आप समझ तो आ रहा है ना, फर्स्ट पर्सन आई और बी, मैं आ रहा, ठीक है, बोलना बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है वो यू होगा, थर्ड पर्सन दे ही सी और जिसके बारे में बात की, मतलब और भी है, यानी कि जिन तीनों को छोड़कर सभी आएंगे थर्ड पर्सन। इतनी बात समझ में आई लड़के, इतनी बात समझ में आई, अब देखिए, अब जो नियम बताने आ रहा हूँ, जो पहला नियम है ना, मैंने यहाँ से खड़े होकर यहाँ आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी, विदाउट बैग, विदाउट बैग, अब देखिए पहला नियम है वो के दो लोगों के लिए वो में सोता है दोनों या दो, ठीक है, बात समझ में। जैसे कि अब कोई नियम वो क्या है, नियम देखिए 2 + 3 + 1 मतलब कह सकते हैं 231, ठीक है, बात समझ में, 231। जैसे क्या हुआ, इसका मतलब क्या है देखिए, मतलब बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपने किया कि 1 + 3, ठीक है,
फिर किया आपने 2 + 1 + 2, ठीक है, फिर आपने किया आप फिर कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 3 + 2, मतलब कि पहले किया 1 और ये वाला, ठीक है, फिर कि अब नया देते हैं, पहले किया आपने ये वाला और ये वाला, ठीक है, फिर आपने किया ये फर्स्ट और थर्ड क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन और ये है थर्ड पर्सन, ठीक है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन और ये क्या है फोर्थ पर्सन, सेकंड पर्सन। अब कैसे करना, दो लोगों की बात चल रही है, तो देखिए दो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आएगा पहले और सेकंड थर्ड पर्सन आएगा बाद में, ठीक है, थर्ड पर्सन पहले और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बाद में, ठीक है, या फिर सेकंड पर्सन पहले और सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में, बात समझ में, दो के लिए नियम है ये, ठीक है। अब एग्जांपल लूंगा अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल दे रही है, ठीक है, मान लीजिए कि यू एंड ही, ठीक है, यू एंड ही आर, ठीक है, डूइंग डूइंग, ठीक है, तुम्हारे द्वारा काम कर रहे, बात समझ आई, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ही एंड यू, ठीक है, एंड में तो कॉमन, ठीक है, एंड तो ये वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, क्यों, मैंने क्या कहा यहाँ पर आपको नियम याद रखना है 231 वाला, ठीक है, दो के लिए कंडीशन है ये, जैसे यहाँ का फेर है यहाँ का, ये दोनों, जैसे कि तुम और वह आया, ठीक है, मान लो सर ने बोला तुम और वह पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब या फिर बोलते उन्होंने वह और तुम पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मान लिया ऐसा बोला तो आप सबसे पहले तुमको पहले लेंगे और ही को करेंगे बाद में, ठीक है, या फिर आपको चार ऑप्शन देता है कि इसमें से करेक्ट बताइए, है ना, तो आपको इस वाले फॉर्मूले से करना है, ठीक है, पहले क्या सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन पहले, मतलब इसके अनुसार देखिए दो के मतलब 23 को ले सकते हैं, फिर 31 को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 21 को ले सकते हैं, ठीक है, आप 13 को नहीं ले सकते, जैसे कि जी वहाँ पर 13 को नहीं ले सकते, 12 को नहीं ले सकते, 32 को नहीं ले सकते, मतलब उल्टा नहीं चल सकते आप यूँ ही चलेंगे, ठीक है, आपको ऐसे चलना है ना कि ऐसे, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और ये कंडीशन है दो के लिए, थर्ड के लिए नहीं, थर्ड के लिए और भी दो कंडीशन और बची हैं मेरी, अब ये बात चाहे समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए, जैसे कि ये मैं बताऊँ यू है या फिर दे, ठीक है, राइट है, आर भी आओ और सेंटेंस आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ देखिए ही एंड आई, ठीक है, और इसका यू सेकंड में तो यू आएगा और फर्स्ट में तो बी भी आ सकता है, ठीक है, और ये राइट है, ठीक है, अब ऐसे नहीं कर सकते आप, ये वाला कैसे कि जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई और फिर सी, तो ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है, और जैसे कि फर्स्ट पर्सन वी और यू गलत हो गया भाई, ठीक है, और ये दे कॉमा और यू, तो ये तीनों गलत हैं, तीनों वाले, ठीक है, इस वाले नियम से चलेंगे, कितना 231, ये कंडीशन दो के लिए लागू होती है। अब जब तीन आ जाएंगे फिर क्या होगा, फर्स्ट के लिए तो आपको पता होता है फर्स्ट के लिए क्या होना है, ठीक है, जो जैसे सब्जेक्ट दिया होगा वैसे करना है, अब थर्ड के लिए क्या है, थर्ड के लिए दो नियम बताऊंगा मैं, जब तीन मतलब कि तीन सब्जेक्ट दिए होंगे तब के लिए, ठीक है, तो आप इस बात को उतार लें, पहले तो ये बात को उतार लें इस बात को, ठीक है, और उसके बाद इस नियम को उतार लें ये वाले को, ठीक है, बात समझ में आई, और जल्दी से आप ऑनलाइन वाले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, चलिए चलिए देखिए, अब हमारा जो दूसरा रूल है ना, दूसरा जो नियम है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या है, देखिए अगर लड़के चुप करो, अब जो नियम है हमारा
ठीक है, अब कब अप्लाई करना है वो दो के लिए बता दिया मैंने, ठीक है, और वो सामान्य चीजों के लिए था, ठीक है। अगर सेंटेंस में भाव गिल्ट का हो या फिर जी वाई या जी वाई, ठीक है, गिल्टी, ठीक है, या गिल्टी या गिल्ट, ठीक है, गिल्ट लग रहे हैं, गिल्ट लग रहे हैं। और सेकंड है आपका गिल्टी सर सही है, एल फुट और क्राइम, ठीक है, क्राइम, ठीक है, क्राइम का मतलब उसी मत उसमें अपराध किया हो या फिर गिल्ट माने अपने किसी काम के ऊपर गिल्ट लग रहा हो, ठीक है। अब देखिए ये तब के लिए है नियम आपका, अब ये है ना, ये तीन चीजों के लिए है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब नियम उलट गया, ये पहले था कि कितना था 231, ठीक है, ये सामान्य चीजों के लिए था, ठीक है, जब अपराध किया हो उसमें क्राइम दे रहा हो तो ये वाला नियम उसमें लागू होगा, मतलब कि फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब बात समझ में आई, ठीक है, जैसे कि अब इसी को मैं डिवाइडर कर देता हूँ, ठीक है, 1+2 right, 2+3 right, 1+3 right, ठीक है, उलट फिर कराएंगे तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है, जैसे कि 2+1 wrong, 3+1 wrong, ठीक है, और 3+2 wrong, पाँच समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, आई यू, ठीक है, एंड ही, अब इसमें जो वर्ब आएगी वो तो आपको बताई प्लूरली आएगी क्योंकि तीन लोग हो चुके हैं इसमें, ठीक है, ये है डन दिस क्राइम, सेकंड ये पहला है, फिर दूसरा वाला I, you, and he have done this work. जो काम पूरा किया उसने, सामान्य बात चल रही है ना, तो ये जो नियम है ये क्राइम के लिए है, तो ये क्राइम तो है नहीं है इसमें कोई, तो ये कोई वाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि देखिए यहाँ फिर क्या आया, देखिए यू यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, आई कौन सा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो कैसे 21 वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 21 वाला हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, सामान्य बात चल रही है, ठीक है, सामान्य बात चल रही है, तो इसने तो सही किया है, इसने अप्लाई कौन सा किया है 231 वाला, ठीक है, पहले सेकंड पर्सन, ठीक है, सॉरी सेकंड पर्सन, फिर कौन सा फर्स्ट पर्सन, 2+1
यही जो इससे पहले जस्ट बताया था वो वाला नियम इसने अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा एकदम राइट। अब बात समझ आए, क्राइम होगा तो 231, ठीक है, सामान्य तरीके से कोई बात चल रही हो तो उसमें लगा दें आप 231 है, ठीक है, ये धारा है, धारा चल रही है, जब आप क्राइम करेंगे 231 लगी आपको और वैसे फ्री रहेंगे तो 231 के तहत, ठीक है, आपको क्राइम फांसी नहीं दी जाएगी, आप इसको उतार जाएंगे, ठीक है, तो क्राइम आएगी, क्राइम आएगी मतलब वालों को क्राइम आ गया या फिर आपको अपराध बता जाता आपके लिए गेट करो, कौन चीज पर वो गेट करो अपने ऊपर, हिंदी में दीजिए कोई एग्जांपल, शर्मिंदा जाके लाओ बता दो, क्राइम मैं बता दी, क्राइम हो गया हमें चोरी करो तो क्राइम करता नहीं करता, कौन मार दो क्या करो, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, क्राइम भैया ने किया, बस क्या किया तू, कृपया आप इसे उतार लें जल्दी से, फौरन से जल्दी बच्चों आप भी उतार लो, छुट्टी नहीं है आखिर छुट्टी होगी कभी को, देखिए जो जो नियम थे वो तो तीन थे, मैंने तीन बताए थे लेकिन हम दो ही नियम अप्लाई होते हैं, तीसरा नियम ये है कि आपको जो वर्ब है ना वो आपको प्लूरल लेनी है, ठीक है, बस ये वाला जो नियम है ये बात है, ठीक है, आपको उसमें वर्ब क्या लेनी है, प्लूरल लेनी है, क्योंकि तीन सब्जेक्ट हो गए उसके हिसाब से आपको वर्ब प्लूरल लेनी है, इतना ही है आज की वीडियो में, और वीडियो पता नहीं सही नहीं पर समाप्त, चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और ठीक है बस, बाय।